गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं धर्मशाला में हूँ। एक्चुअली धर्मशाला से ऊपर एक मैक्लोडगंज जगह है जहाँ पे दलाई लामा होते हैं। तो आज शायद से आज हमें यदि स्लॉट मिलेगा तो हम लोग उनसे मिलने जाएंगे, आज नहीं तो कल मिलने जाएंगे जब भी उनको उनको सुविधा होगी। तो यह धर्मशाला में मैं आया हुआ हूँ। तो एक्चुअली धर्मशाला तो मैं जगह बोल रहा हूँ, ये जगह जो है वो है मैक्लोडगंज, और धर्मशाला जो है यहाँ से जो है वो कुछ किलोमीटर नीचे तरफ है। मतलब वो नीचे है, ये जगह ऊपर है, काफ़ी ठंडा है। आसपास आप देख सकते हो कि आपको ये पूरे देवदार के ट्री दिखाई पड़ रहे हैं पूरे, ये है ना। ये याद है आपको, हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, हम लोग पढ़ते हैं कि वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं हम लोग एक्सकरेंट ट्री बोलते हैं, जो कॉनिकल ट्री होते हैं। तो दीज ऑल आर दी कॉनिकल ट्रीज है ना। और दूसरा ये है कि कई बच्चे जो है वो हिमाचल से, कई बच्चे जो है वो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया जो धर्मशाला के आसपास के, कि वो मिलना चाहते हैं। तो बेटा पहले एक काम करते हैं, रेंडमली मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैक्लोडगंज तक ऊपर आने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जो जगह यहाँ पर है वो है बेसिकली, हमें यहाँ रुका हूँ, स्टे किया वो हयात है, यहाँ पे हयात रेजेंसी, वहाँ पे मैं यहाँ पे स्टे किया हूँ। तो एक्चुअली मैं यहाँ धर्मशाला से ऊपर आने में यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एक्चुअली। बेटर है कि हम लोग वी विल प्लान ए प्लेस इन दी धर्मशाला, कि कोई जगह ऐसी है धर्मशाला में, आप मुझे रिकमेंडेशन में बताइएगा, तो वी कैन प्लान ए मीटअप देयर। तो धर्मशाला में हम लोग जो है कोई जगह डिसाइड कर लेंगे ना कि कहाँ हम मिल सकते हैं, ताकि आप भी दूर से कहीं से आते हैं, आप दो चार एक दो घंटे के सफ़र से आ पाते हैं, पर बहुत दूर, यदि आपको 4-5 घंटा लग रहा है आने में तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, मैं फिर कभी आपकी ही जगह पर पहुँचूंगा, ठीक है। इस बार मैंने सोचा कि मेरी टीम एक प्लान कर रही है पूरा, कि मुझे पटना, वाराणसी और जौनपुर, ऐसे कई सारे जगह पर मैं जो है वो विजिट करने का सोच रहा हूँ, ताकि बच्चों से मैं मिल सकूँ और रियल टाइम में उनकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकूँ। अभी क्या होता है, कम्युनिकेशन सिर्फ जो है वो कैमरे के थ्रू और इसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो मैं चाहता हूँ रियली मैं आपसे मिलूँ और आपकी समस्याओं को समझूँ, और उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ, वो मैं सोच करना चाहता हूँ। तो अभी मेरा मानना यह है कि यदि आप धर्मशाला के बिल्कुल आसपास से हैं तो आप मिलने आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूर से 3-4 घंटे ट्रेवल करके आएंगे तो मुझे मन में अच्छा नहीं लगेगा, आप परेशान होते हो, आए सिर्फ 10 मिनट मुझसे मिलने के लिए, तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इतना बड़ा सेलिब्रिटी मैं नहीं हूँ। तो लेकिन आप जब धर्मशाला आते हैं तो बताइए जरूर, तो मंडे के दिन फिर हम लोग कुछ प्लान करते हैं, कि आज तो संडे है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है पूरा, तो मंडे को या ट्यूसडे को मैं यहाँ पर रुका हुआ, तो हम लोग प्लान करते हैं, जगह डिसाइड करते हैं, वहाँ सब मिलेंगे, है ना, वहाँ पे मैं चाहिए मैं आपको चाय कॉफ़ी कुछ तो ऑफर कर सकूँ मैं आपको, है ना। तो वैसा कुछ करते हैं बेटा, ठीक है। तो जो व्लॉग देख रहे हैं जो धर्मशाला के आसपास के बच्चे, बताइए जरूर, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा है, यहाँ पे जब यहाँ पर जो है एक जैसे बोलता नेचर अपने जो है वो एक्सट्रीम पर यहाँ पर है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको कि आप कितना सुंदर है, देखो आप बेटा चारों तरफ, ये देखो आप एक्सप्रेंट ट्री ना, हम पढ़ते हैं लॉन्ग शूट होते हैं, ड्रॉप शूट होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ दिखाई पड़ता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब जो लोग भी मनाली के आसपास, मसूरी, मनाली, हिमाचल के आसपास रहते हैं जो लोग, यार आप सब लोग बहुत लकी हो ना, मतलब हमको ये सारी फीलिंग मुंबई में कभी आती नहीं है। यहाँ जो हवा की जो स्पीड है, मतलब क्या बताओ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, इतना सुंदर है कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, है ना। और लोग भी बड़े अच्छे यार, है ना, जब लोकल मार्केट में जाके देखो, यहाँ पे छोटा सा मार्केट है बहुत सुंदर सा, और लोग बड़े सुंदर भी दिखते हैं यहाँ पे यार, मतलब अलग अलग तरह का पूरा का पूरा जो है हिमाचल है। और पॉइंट इज दैट कि भारत जो है उसमें इतनी चीजें हैं इंडिया के अंदर भी, तो एक काम करते हैं यार, है ना, कभी हम लोग है ना ऐसा अब मैं क्या, ये तो ये अचानक से ट्रिप प्लान की, भारती ने बताया कि बच्चे को जाना है, उसका कुछ असाइनमेंट है, चलो धर्मशाला, अरे मैंने कहा चलो चलते हैं भाई, ठीक है। तो अचानक से जो है वो ट्रिप प्लान ये वाला हुआ, इसलिए मैं आपको बहुत एडवांस से बता नहीं पाया, लेकिन ये है कि हाँ इस समय बायोमेट्रिक जो है वो उसमें टारगेट बैच के एडमिशन ओपन है, 1 जून से क्लासेस लगेंगी, मैंने बता भी दिया है इस चीज़ के बारे में। कई बच्चों ने क्वेश्चन रेस किया है सर कि वो EMI कर दो आप, तो मैंने कहा बेटा वाकई में तकलीफ आपको होगी ना, तो हमारी सपोर्ट टीम है जो आपको जो है वो EMI का ऑप्शन प्रोवाइड कर देगी, लेकिन वो भी आपको पूरा, क्योंकि देखो कई बच्चे मिसयूज करते, कई लोग कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मिसयूज करते, अंदर सिस्टम में आते हैं 1 महीने का EMI देके वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और बच्चों को लेके चले जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है, मतलब बहुत इस समय स्पामिंग का जो लेवल है वो एक्सट्रीम पर चल रहा है, मतलब गंदे लोग, गलत लोग जो है वो एजुकेशन में आ गए हैं, और वो गलत लोग जो है वो गलत प्रकार से बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वैसे है नहीं, इसलिए हम लोग अपने किले को सुरक्षित रखने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। चलिए
हैव ए ग्रेट डे, ऑल दी बेस्ट। मिलता हूँ, मैं बीच बीच में ब्लॉग बनाता रहूंगा, कुछ कोशिश करूंगा कि लाइव आऊँ मैं, और हो सके तो यदि दलाई लामा जी से मुलाकात मेरी हो पाई उनसे, तो मैं उनसे बोलूँगा आपके लिए भी कुछ अच्छे कुछ वर्ड्स बोले वो आप लोगों के लिए भी, कि मेरे कमांडोज के लिए भी कोशिश करूंगा। ठीक है, आई कांट प्रॉमिस फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ हिम। ठीक है, चलिए। और बहुत अच्छा है हिमाचल, मतलब कभी मौका मिले यदि आप बाहर के कहीं के, दिल्ली विल्ली के, तो आप जरूर आके देखिएगा। और भी दूर कहीं के हैं तो कभी जब आप सिलेक्ट हो जाए तो अपने कॉलेज की ट्रिप में एक बार जरूर आइएगा और इन पेड़ों को देखिएगा, बहुत सुंदर दिखते हैं। चलिए, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो अपलोड करने में दिक्कत आएगी। चलो बाय बाय। पहाड़ है, पहाड़ों पर वाईफाई कमजोर है और इंटरनेट भी कमजोर है। चलो बाय बाय।